पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो जाती है। आपको बता दें कि सुबह सुबह ही चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान रुपौली के लिए निकल गए। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये मुलाकात हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, 13 जुलाई को उसका जो परिणाम है वो सामने आ जाएगा। और एनडीए की ओर से जेडीयू के कलाधार मंडल चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर राजद की बीमा भारती, जो पहले भी वहां से विधायिका रह चुकी हैं, वो चुनावी मैदान में टक्कर दे रही हैं कलाधार मंडल को, जिसके बाद अब लगातार जो एनडीए के तमाम नेता हैं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कलाधार मंडल के लिए वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान रुपौली में अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने, वोट बटोरने के लिए निकल गए। चिराग पासवान सुबह सुबह ही अचानक नीतीश कुमार से जब मुलाकात करने पहुंचते हैं, तो हर ओर ये सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि चिराग पासवान सुबह सुबह ही नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच गए। सियासी हलचल तेज हो गई, कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे, और ये कहा जा रहा था कि क्या किसी बड़ी वजह के कारण, कोई बड़ी बात है जिसके वजह से दोनों नेताओं के बीच अचानक ये मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी सियासी हलचल तेज है। अचानक चिराग पासवान का नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी खड़े करता है कि क्या कोई बड़ी वजह है, कोई बड़ी प्लानिंग है जिसके तहत दोनों नेता एक साथ अचानक मुलाकात कर रहे हैं। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार का भी काफ़ी पक्ष लेते नजर आते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले भी खबर बताया था, जेडीयू के ओर से राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में एनडीए से मांग कर दी गई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए या फिर विशेष पैकेज दी जाए, और सबके सामने चिराग पासवान नीतीश कुमार की इस मांग का समर्थन करते भी नजर आए थे। चिराग पासवान ने साफ कहा था कि नीतीश कुमार कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम हो या कोई और नेता, हम सबकी ये मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज मिले। तो अब चिराग पासवान की नजदीकियां नीतीश कुमार से काफी बढ़ती नजर आती हैं। चिराग पासवान जो पीएम मोदी का खुद को हनुमान बताते हैं, उनकी नजदीकियां नीतीश कुमार से बढ़ रही हैं, और नीतीश कुमार का पक्ष लेकर एनडीए से वो बड़ी मांग भी कर रहे हैं। और आज दोनों की अहम मुलाकात की वजह बताई जा रही है रुपौली विधानसभा उपचुनाव, फिर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दोनों नेताओं की मुलाकात की मुख्य वजह क्या रही होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दोनों नेता क्यों मुलाकात किए थे, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इससे भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।